हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। आज इस वीडियो में करने वाला हूँ रिव्यू हायर और वोल्टास फ्रिज का। दोनों में बेहतर कौन सा है, दोनों किस प्राइस पे आएगा, और दोनों की वारंटी क्या है, और दोनों वोल्टेज कितना लेता है, और दोनों किस प्राइस में आएगा, और सर्विस कैसा है हायर और वोल्टास का। वीडियो स्टार्ट करें और बता दें पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में। दोनों का लुक आप देख सकते हैं, हायर ब्लैक में और फ्लावर इसमें दिया है काफी अच्छा, और ब्लू में मिल जा रहा है आपके लिए वोल्टास का फ्रिज। दोनों में काफी अच्छा हैंडल है, ये हो जा रहा है वोल्टास वेको, यहाँ पे टाटा ब्रांडिंग, और ये मिल जा रहा है आपको हायर ब्रांडिंग। इसका भी लुक काफी अच्छा है, फ्लावर देख सकते हैं इसका काफी अच्छा है। ये 1 स्टार रेटिंग के साथ आता है, और इसका मिल जा रहा है कंप्रेसर इन्वर्टर, मतलब कि बहुत ही कम वोल्टेज लेगा, 10 साल की इसकी वारंटी मिल जा रही है। इसका लुक पूरा आप देख सकते हैं हायर का ब्लैक में, और ये हो गया वोल्टास का, वोल्टास वेको टाटा ब्रांड। यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा लॉन्ग साइज में यहाँ पे हैंडल मिल जा रहा है, नीचे मिल जा रहा है जस्ट इसके लाकर, जो कि ये ब्लू कलर में है। काफी अच्छा इसमें भी फ्लावर मिल जा रहा है। ये 175 लीटर में है वोल्टास वेको टाटा ब्रांड, और ये 185 लीटर में मिल जा रहा है हायर का, और ये 175 लीटर का मिल जा रहा है। ये इसकी प्राइस की बात करें तो ये 11,500 में मिल जाएगा आपको ऑफलाइन में, और ये 12,000 में मिल जाएगा हायर का ये ऑफलाइन में। ऑनलाइन दोनों महंगा मिलेगा। अंदर का लुक देख सकते हैं, दोनों में काफी अच्छा लुक है अंदर का, जो कि ज्यादा स्पेस भी मिल जा रहा है। ऊपर डिफ्रीजर मिल जा रहा है, नीचे बॉक्स मिल जा रहा है सब्जी स्टोर करने के लिए, जो कि सेम इसमें भी ऐसे ही मिल जा रहा है, नीचे सब्जी स्टोर करने के लिए और ऊपर बर्फ जमाने के लिए, यानी चिल्ड करने के लिए 40 मिनट में चिल्ड कर देता है बर्फ जमा के। यहाँ पे इसका इन्वर्टर मिल जा रहा है, जो कि फ्रिज को